बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूँ करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को आप सब देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के तक ऐप जरूर डाउनलोड करें। साथ ही साथ फेसबुक और यूट्यूब से भी आप एस्ट्रो तक को देख सकते हैं। तो फेसबुक पे लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो जरूर करें। यूट्यूब पे बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं पे आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं www.astrotak.com पे लॉग ऑन करके, यहाँ पर जुड़ करके पूछ सकते हैं प्रश्न कॉल के द्वारा भी, और साथ ही साथ अपना प्रश्न आप हमें लिखकर भी भेज सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे मैच नंबर 39 की IPL के, यानी इंडियन प्रीमियर लीग के मैच नंबर 39 की, जो होगा 26 सितंबर 2021। मैच होगा शाम का 7:30 बजे का, दिन होगा रविवार का। अब वहीं पे दो टीम्स के बीच में ये मैच होगा, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी RCB वर्सेस मुंबई इंडियंस यानी MI। तो दोनों ही टीम्स का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा और कैसे ही दोनों ही टीम्स में से कौन सी टीम विनिंग रहेगी, इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, तो इनके परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो उनका परफॉर्मेंस इस मैच के दौरान बहुत खास नज़र नहीं आएगा। हालांकि टीम वर्क देने का प्रयास करेंगे, एफर्ट्स लगाने का प्रयास करेंगे, मगर बहुत खास इनका जो परफॉर्मेंस है वो आप लोगों को इस मैच के दौरान नज़र नहीं आएगा। अब अगर हम बात करें विराट कोहली की, क्योंकि विराट कोहली इसके कप्तान हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 नवंबर 1988 की। अगर डेस्टिनी नंबर की बात की जाए तो इनका डेस्टिनी नंबर जो है वो 6 बन रहा है। अब अगर इनके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इनका परफॉर्मेंस जो है काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा, मगर इनको स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। फिर धीरे धीरे अपना परफॉर्मेंस बेहतर देने का प्रयास ज़रूर करेंगे, मगर फिर भी बहुत एक अच्छा स्कोर नहीं बना पाएंगे। टिकना इनका बहुत लंबे समय तक थोड़ा इस मैच के दौरान मुश्किल रहेगा। वहीं पे अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की हम बात कर रहे हैं, तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का भी जो परफॉर्मेंस रहेगा बहुत खास नज़र नहीं आएगा। स्टार्टिंग अच्छी कर सकते हैं, मगर उसके बाद 8वें ओवर के बाद इनका परफॉर्मेंस लो लो लो, इस तरह से धीरे धीरे लो इनका ग्राफ चला जाएगा। अब इसके अगेंस्ट खेलने वाली टीम की अगर हम बात करें, यानी मुंबई इंडियंस की बात की जाए, तो मुंबई इंडियंस के जो कप्तान है रोहित शर्मा, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 30 अप्रैल 1987, और इनका जो टोटल बन रहा है वो बन रहा है 5, यानी इनका जो टोटल बन रहा है डेस्टिनी नंबर वो बुध का बन रहा है 5। अब इनके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इनका परफॉर्मेंस जो है काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। हालांकि हो सकता है ये किसी वजह से परफॉर्म ना भी करे, या अगर करते भी हैं, क्योंकि इंजरी इनकी हो रखी थी, इनकी हेल्थ इश्यूज़ जो हैं, मे बी हो सकता है उस वजह से इनको थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी आए, तो बहुत लंबा ये भी नहीं खेल पाएंगे, मगर हाँ एक स्कोर बनाने का पूरी रूप से प्रयास ज़रूर करेंगे। अब अगर हम बात करें टीम की, यानी मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई इंडियंस का परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में थोड़ा सा लो रहेगा, 5वें ओवर के बाद ये धीरे धीरे अपना ग्राफ उठाने की कोशिश करेंगे और काफ़ी हद तक जो ये अपना प्रदर्शन देंगे, अपना परफॉर्मेंस देंगे, वो बहुत ही बेहतरीन देंगे अगर हम RCB के अगेंस्ट कंपैरिजन करें। हालांकि परफॉर्मेंस इस मैच में भी इनका बेहतर नहीं रहेगा, क्योंकि लास्ट के जो दो मैचेस हैं वो इनके अच्छे नहीं गए, लूज करा है इन्होंने लास्ट के दो मैचेस। तो इस मैच में कहीं ना कहीं टीम वर्क लगा के, टीम एफर्ट्स लगा के कोशिश ज़रूर करेंगे कि ये मैच जो है जीत के ही रहे। अब अगर टॉस की बात करें तो टॉस जो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने RCB जीत सकती है, और मैच जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, टर्निंग पॉइंट्स बहुत सारे होंगे इस मैच में, और कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट बनी रहेगी क्योंकि दोनों ही टीम्स जो हैं बराबर का अपना प्रदर्शन देने का प्रयास करेंगी, कोई भी टीम जो है नीचा ग्राफ अपना नहीं लेके जाएगी, तो मैच इंटरेस्टिंग काफ़ी रहेगा। और अगर हम बात करें इस चीज़ की कि मैच जो है वो किस तरह से बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो टीम में से मुंबई इंडियंस जो है वो अपना परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर देने का प्रयास करेगी, तो टीम विनिंग जो रहेगी वो मुंबई इंडियंस की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बन रही है। तो और भी ऐसे विषय लेकर के आऊँगी मैं केवल यूट्यूब चैनल पे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियोज़ आपको कैसी लगती है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय श्री राधे।